हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट रही पूजा भारती की हत्या को लेकर पूरा झारखंड सदमे में है। जिस तरह उसके हाथ और पांव बांधकर डैम में फेंका गया, उसके हत्यारों की दरिंदगी को जाहिर कर दिया गया है। पूजा भारती हत्याकांड मामले में पूरा राज्य जस्टिस की मांग कर रहा, तो वहीं पूजा के गृह क्षेत्र गोड्डा जिला में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पूजा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। लोगों का साफ कहना है कि इस तरह की घटना से लोगों में काफ़ी डर है। ऐसे में कोई अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजे? उस शिक्षा के लिए शहर से दूर जाना उनकी मजबूरी है। यदि पढ़ने वाली बेटियां ही असुरक्षित हो जाए तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को बलि देना चाहेगा? जबकि इस पर रामगढ़ जिला में आसू पार्टी ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि मेडिकल स्टूडेंट पूजा भारती एग्जाम देने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची और दूसरे दिन उसकी लाश रामगढ़ के पतरातू डैम में हाथ और पांव बंधे हुए मिले। दृष्टि न्यूज चैनल पूजा को जस्टिस मिलने तक लगातार उसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहेगा ताकि पुलिस पर दबाव हो और हत्यारों की गिरफ्तारी हो सके। गौरतलब है कि इस पर पूजा भारती हत्याकांड ने पुलिस की दबी तेज हो गई है। डीजीपी के द्वारा गठित 17 सदस्यीय टीम लगातार छापेमारी कर रही और हत्याकांड का गोड्डा से भी तार जुड़े रहने की आशंका है। इस संदर्भ में गांधीनगर व रामनगर से 4 युवकों को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन किन युवकों को पूछताछ के लिए ले जाया गया।